जय हिंद। आज हमारे पास ये केमिस्ट्री का सेकेंड पार्ट है। इसमें हम आपको जो है व्हाट इज केमिस्ट्री के बाद के आगे वाला कॉन्सेप्ट को समझाएंगे कि हम ऐसे जो है 10th क्लास का अगला पॉइंट है इस पर ध्यान देंगे कि केमिस्ट्री होता क्या है। मैं पहले ही बता चुके हूँ व्हाट इज केमिस्ट्री, तो फिर से एक बार रिविजन कर देते हैं। केमिस्ट्री इज एक साइंस है, साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम इसके एटम और मोलकुल्स के बारे में अध्ययन करते हैं, किसी को क्या कहते हैं केमिस्ट्री कहते हैं, यानी कि साइंस ऑफ एटम एंड मोलकुल्स आर कॉल्ड केमिस्ट्री। आपने बहुत सारे बच्चों के अंदर क्वेश्चंस भी होता है कि सर एटम्स क्या होता है और मोलकुल्स क्या होता है। ऐसे एटम मोलकुल्स का बहुत सारा डिफिनेशन, क्योंकि आसान भाषा हम समझाते हैं। एटम्स एक छोटा सा ऐसा पार्टिकल्स है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन किसी तरह कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है। मतलब आप ऐसे समझिए कि एक ऐसा लड़का है चाहे ऐसा इंसान है जो कभी भी अकेले नहीं आता है, ठीक है ना, फ्री स्टेट में नहीं आता, अकेले नहीं आता, लेकिन जब भी जो है लड़ाई करने जाएगा तो सिर्फ वही जाएगा, उसी को क्या कहेंगे हम, आपको एटम कहेंगे। एक और डिफिनेशन बताते हैं, छोटा सा डिफिनेशन है। जैसे मान के चलिए कि हम लोग गर्मी के दिन होता है तो हम लोग नींबू पानी पीते हैं, ठीक है, या चीनी पानी पीते हैं, लेकिन कभी कभी होता क्या है कि हम लोग पानी तो पीते हैं लेकिन उसमें चीनी डाल देते हैं, ठीक है, लेकिन चीनी का वह पार्टिकल जिसके कारण पानी मीठा है वो दिखाई तो नहीं देता है, लेकिन ये एक बात है कि उसी कारण क्या है आप जो है पानी क्या हो गया है, मीठा हो गया है। तो समझ लीजिए कि जिसके कारण पानी मीठा हो गया है उसी पार्टिकल्स को हम लोग आसान भाषा में क्या कहते हैं, एटम के नाम से जानते हैं, लेकिन ये हद तक सही नहीं है। इसका एक और डिफिनेशन है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड क्या, एटम्स। लेकिन आगे जाके डिफिनेशन को और क्या किया जाएगा, डिफाइन कर दिया जाएगा। मोलकुल्स का मतलब क्या होता है, सेम टाइप ऑफ द क्या, एटम कंबाइंड टू ईच अदर। जैसे कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से जोड़ेंगे तो H2 हो जाएगा, तो सेम टाइम एटम ऑफ ग्रुप हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा, मोलकुल्स हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन तो N2 बन जाएगा, तो आपको क्या हो, ग्रुप ऑफ एटम किसका, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन क्या हो गया, मोलकुल्स हो गया, ठीक। तो ये हो गया क्या, अब इसी के साइंस को, इसकी क्या विशेषताएं हैं उसको अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, केमिस्ट्री कहलाता है। लेकिन हमारा यहां का टॉपिक है व्हाट इज केमिकल रिएक्शंस। तो देखिएगा यहां पर दो तीन चीज दे रखा है जो हम लोग बहुत बारीकी से स्टडी करेंगे। देखिएगा इस बुक में एक पिक्चर दे रखा है, अक्सर बच्चे इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये ध्यान देने का योग है। क्यों योग है, क्योंकि इसलिए योग में है कि हम इसे कह सकते हैं कि ये आपका एक ग्लास ट्यूब है, ठीक है ना, इसके अंदर ग्लास फिट किया गया है। आज ये पूरा जो शेप दिखाई दे रहा है ना, इसका नाम है कॉनिकल फ्लक्स, क्या, कॉनिकल फ्लक्स, ठीक है ना, और इसके ऊपर एक रबर का कप लगा दिया गया है, ठीक है, और इसके अंदर दो चीज को रखा गया है, किसको किसको रखा गया है, डायल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यानी आसान भाषा में समझें मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग H2SO4, और इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े रख दिए गए हैं, किसके, जिंक्स के, मतलब कि मेटल आपका जिंक होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 30 होता है, और एटॉमिक मास 65 होता है, ठीक है ना। तो ये आपका जिंक है और ये आपका क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जब हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 को जिंक के साथ मिलाएंगे तो केमिकल रिएक्शन करेगा और साथ में क्या रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस। मैं वो फिर से बता देते हैं, ये आपका जो है सल्फ्यूरिक एसिड में जिंक को मिलाते हैं तो हाइड्रोजन गैस क्या करता है, रिलीज करता है, मतलब अपने पुराने वाले एटम के बॉन्ड को तोड़कर नए बॉन्ड का करता है, फॉर्मेशन करता है, जिसमें कि प्रोडक्ट के फॉर्म में आपका हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज करती है। तो हम इसको बहुत आसानी से कह सकते हैं ये क्या कर रहा है, केमिकल रिएक्शन कर रहा है। फिर इस केमिकल रिएक्शन में हुआ क्या, इस केमिकल रिएक्शन हो रहा क्या आ रहा है कि इसका स्टेट क्या कर गया, चेंज कर गया, इसका कलर क्या कर गया, चेंज कर गया, इसमें से गैस बाहर निकल रही है और इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बदल रहा है। तो हम इसे बहुत आसानी से कह सकते हैं ये क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। आगे हम जानेंगे इस क्लास में कि इस देयर आर द लार्ज वैरायटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड द अस, हमारे चारों तरफ कई प्रकार की क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। खेल ये मत समझ, खाली केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन के बहुत सारे क्या होते हैं, टाइप्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो हम इसमें एक चीज और पढ़ेंगे, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होता है तो उसको हम लोग जैसे मान के चलिए कि इसमें आपको पढ़ाया गया पहले वाले पिक्चर में दिया हुआ कि एक मैग्नीशियम का रिबन है, उसको जो है और आपका जो ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में जलाया जाता है,
तो ये मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करता है तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। लेकिन मैंने बहुत बड़ा मैग्नीशियम लिख दिया, बहुत बड़ा ऑक्सीजन लिख दिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये काफी बड़ा हो गया। लेकिन हम इसको सिंबल के फॉर्म में क्या करेंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे इसको हम जो है सिंगल के फॉर्म, आपका जो सिंबल के फॉर्म का रिप्रेजेंट करके हम यहां पर MgO लिख दिए। तो इस सिंबल के फॉर्म में चला गया। जैसे ही कोई भी केमिकल रिएक्शन जब सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो जाता है तो उसे हम जो है आपका जो है क्या कहते हैं, केमिकल इक्वेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसको मैंने किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, सिंबल का फॉर्म में। तो जैसे ही सिंबल का रिप्रेजेंटेशन हो जाता है कोई भी केमिकल रिएक्शन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुत आसानी से कह सकते हैं ये हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशंस है, ठीक है ना। और इसमें हम एक चीज और बात करेंगे, इसमें दो पार्ट्स होते हैं, आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे। पहला पार्ट इसका लेफ्ट हैंड साइड होता है और दूसरा क्या होता है, राइट हैंड साइड होता है। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है इसको रिएक्टेंट कहते हैं और जो राइट हैंड साइड होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। लेकिन इसमें चीज और होता है क्या, इसमें ये एरो होता है, तो एरो का ये हेड है और ये टेल है। टेल जो होता है ये रिएक्टेंट साइड को शो करता है और हेड जो होता है ये प्रोडक्ट साइड को क्या करता है, शो करने काम करता है, बताता है कि बनने से पहले क्या था और बनने के बाद से क्या है, क्या बन चुका है। तो बनने के बाद रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट होता है और रिएक्शन करने से पहले क्या होता है, इसको रिएक्टेंट कहते हैं। उसी को आसान भाषा में है हम जो है लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम लोग क्या कहते हैं, राइट हैंड साइड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ओके, दैट्स ऑल।